नमस्कार, मैं गिरीश कुमार तिवारी डीएलएड कार्यक्रम के इस चर्चा सत्र में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू विश्वविद्यालय से डॉक्टर नीति दत्ता उपलब्ध हैं, जो शिक्षण की प्रक्रिया व्यवहारात्मक इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करेंगी। तो चर्चा से के आरंभ में मैं चाहूँगा कि आप हमारे विद्यार्थियों को ये बताएं कि शिक्षण से व्यवहार में कैसे परिवर्तन हो सकता है। सभी दर्शकों का नमस्कार। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि अधिगम क्या है, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। अगर हम और भी इसको एक आसान शब्दों में बात करें कि उत्तेजना और अनुक्रिया के बीच सहसंबंध स्थापित होना ही अधिगम है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आपने शिक्षण शब्द सुना जी। जैसे ही हम शिक्षण शब्द सुनते हैं, हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में क्या पहला शब्द आता है? अध्यापक। कि हम शिक्षण को अध्यापक के बगैर, अध्यापक के बिना हम कल्पना ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो अध्यापक और शिक्षण का सहसंबंध स्थापित हो गया, यानी कि शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया का एक अहम बिंदु है और दोनों के बीच में एक आपसी संबंध है कि शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक का होना आवश्यक है। ठीक है, जबकि हम मानते हैं कि शिक्षण छात्र केंद्रित है, आजकल तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात हम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षण प्रक्रिया से हम किसको जोड़ लेते हैं? शिक्षक को हम जोड़ लेते हैं। शिक्षण के तीन उपागम है, जैसे कि व्यवहारिक रूपांतरण हेतु शिक्षण, दूसरा है संज्ञानात्मक विकास के लिए शिक्षण, और तीसरा है अनुभव निर्माण के लिए शिक्षण। लेकिन आज के सत्र में, जैसे कि आपने कहा कि हम व्यवहारिक रूपांतरण हेतु शिक्षण क्या है, इसके बारे में ही चर्चा करेंगे। समय की जो पाबंदी को देखते हुए तीनों उपागम एक साथ नहीं लिए जा सकते जी। तो व्यवहारिक रूपांतरण हेतु शिक्षण का सीधा सा मतलब ये है कि अधिगम का मतलब है व्यवहार में परिवर्तन, ठीक, और शिक्षण के लिए व्यवहार रूपांतरण अधिगम से तात्पर्य जो बच्चे का अवलोकन युक्त व्यवहार है जी। उसमें परिवर्तन कर हो जाए या उसमें रूपांतरण हो जाए। ठीक है, जो बच्चे का पहला व्यवहार है शिक्षण के बाद, उसमें अपेक्षित परिवर्तन हो जाए, उसको कहते हैं हम व्यवहारिक रूपांतरण हेतु शिक्षण। अपेक्षित परिवर्तन से हम क्या समझ सकते हैं? जैसे कि अपेक्षित परिवर्तन हम ये चाहते हैं, जैसे एक बच्चा क्लासरूम का अगर हम एग्जाम्पल लें, एक बच्चा क्लास में देर से आता है, क्लास में एक बच्चा देर से आता है। तो अब हमारा अपेक्षित, हम अपेक्षा क्या कर रहे हैं उस बच्चे से, कि वो बच्चा समय से आने लगे। हाँ। तो समय से बच्चे को कक्षा में बुलाने के लिए हमें कुछ इस तरीके से उसका कंडीशनिंग करनी होगी। ऐसी कंडीशनिंग करनी है कि बच्चा जो स्कूल लेट आता है, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से बच्चा लेट आ रहा है। हो सकता है बच्चे का कहीं दोष ही ना हो, वो माता पिता की वजह से लेट आ रहा हो, या वो ट्रैफिक जाम में फंस के लेट आता है। कई बार ऐसा भी देखा गया, एक बच्चे से पूछा, भाई तुम क्यों लेट आते हो? तो बोला, मैं नहीं लेट आता, मेरे पापा मुझे लेट छोड़ के जाते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं बच्चे का दोष नहीं है। तो जो आप कह रहे हैं कि रूपांतरण मतलब वांछित व्यवहार से मतलब होता है कि जो हम अपेक्षा कर रहे हैं कि नहीं, व्यवहार ऐसा होना चाहिए। जैसे कि खाना, सीधे मुंह में खाना हम कैसे फोक पकड़े, कई बच्चे होते हैं कि गलत हाथ से दूसरे हाथ में छुरी कांटा जब हम बच्चे को पकड़ना सिखाते हैं, दूसरे हाथ का प्रयोग करते हैं, उल्टे हाथ से बच्चे खाने लगते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो उल्टे हाथ से खाने लगते हैं, तो अपेक्षित नहीं है उल्टा हाथ खाना, है ना। तो हम क्या कहते हैं कि तुम सीधे हाथ से पकड़ करके खाओ। तो अगर वो व्यवहार परिवर्तन हो जाता है तो इसका मतलब है रूपांतरण हो गया। मतलब यह कि समाज ने जो एक मानक तय किया है जी, उस तरह के व्यवहार परिवर्तन की हम बात यहाँ करते हैं। भाई देखिए, शिक्षण में कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि भाई सच बोलो जी। अगर बच्चा गृह कार्य करके नहीं ला रहा है जी, जी। कोई भी बहुत सारे कारक हो सकते हैं, लेकिन जब बच्चा गृह कार्य करके लाने लगता है, या तो बाहरी उद्दीपन की वजह से, या आंतरिक प्रेरणा या बाह्य प्रेरणा की वजह से, तो वह व्यवहार में परिवर्तन हो गया। तो इस तरीके से जो इसके जो मुख्य केंद्र है इसका, इस शिक्षण का मुख्य केंद्र है कि पहले तो आप व्यवहार को अवलोकन कीजिए, ऑब्जर्व करिए, और व्यवहार को ऑब्जर्व करने के बाद उद्दीपन और प्रतिक्रिया के बीच में अनुबंध स्थापित कर दीजिए।
तो इस अनुबंधन को क्या हम लोग क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी या जिसे कि हम लोग शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं जी के माध्यम से समझ सकते हैं? जी देखिए, जो व्यवहारात्मक शिक्षण प्रक्रिया है जी उसके दो थ्योरीज हैं। जी पहली है क्लासिकल कंडीशनिंग, जिसको कि हम शास्त्रीय अनुकूलन भी कहते हैं, कहते हैं ठीक है। और दूसरी है सक्रिय अनुकूलन, जिसको हम ऑपरेंट कंडीशनिंग भी कंडीशनिंग कहते कहते हैं। हैं। ये जो क्लासिकल कंडीशनिंग और जी ऑपरेंट कंडीशनिंग के जी जो प्रमुख जो वैज्ञानिक हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, जी वो हैं आपके पेवलॉव, जी वॉटसन, थॉर्नडाइक जी और स्किनर। जी ये प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने इन थ्योरीज को ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट्स अपना किए, काम अपने प्रयोग किया किए, या कह लीजिए कि हाँ थ्योरी उन का पे प्रतिपादन जी किया। जी प्रतिपादन किया। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, अनुबंधन जी किसी घटना या स्थिति के साथ जुड़ना या जोड़ना। अगर हम अपनी आम जिंदगी को उदाहरण लें जी तो बादल को देख करके वर्षा का संबंध होना, स्थापित हो वर्षा जाना, होने का संबंध वर्षा होने होना। का संबंध, जी ठीक है ना। जैसे ही हम किसी उसकी एम्बुलेंस की आवाज़ सुनते हैं, अचानक हमारे दिमाग में हो जाता है कि कहीं पर कोई बीमार व्यक्ति हुआ जा रहा है, है, जा रहा है, जा रहा है, एम्बुलेंस जा रही है। जा रही क्योंकि है। एम्बुलेंस का एक सायरन की आवाज़ अलग सायरन है, उससे हम क्या कर लेते हैं, एम्बुलेंस जा रही है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी इसी तरीके से जाती है, टन टन करती हुई, घंटी बजाती हुई जाती है, और तुरंत हमारे दिमाग में हम क्या अनुबंध कर लेते हैं कि कहीं जी आग लग गई, आग लगी हुई है, आग फायर लग गई, ब्रिगेड की गाड़ी तो ये जा रही फायर है। ब्रिगेड जा रही है। जी हम गाड़ी कितनी भी स्पीड से क्यों ना जा रही हो, लेकिन लाल बत्ती को देखते ही साथ हम रुक जाते हैं। तो ये कैसा अनुबंधन है कि लाल बत्ती को देख करके गाड़ी को रोक रोक देना, लेना और है। जैसे ही हरी होती है हम चल देते हैं। जी तो दैनिक जीवन में भी ऐसे बहुत सारे अनुबंधन के उदाहरण हैं, और इसी आपसी संबंध को हम अनुबंधन कहते हैं। कभी किसी भी अधिगम के लिए किसी न किसी दो कारकों का आपस में संबंध होना जरूरी ज़रूरी होना। होता है। जी जैसे कि आपने शास्त्रीय क्लासिकल कंडीशनिंग जी की जो आप बात जी कर रहे हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग में इस एग्जाम्पल में आप देखिए कि एक कुत्ता है। पेवलॉव ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जी क्लासिकल कंडीशनिंग के लिए। जी उसने देखा था, जब पहले एक्सपेरिमेंट से पहले पेवलॉव ने यह देखा था कि जो कुत्ता है वो अपने मालिक को देख करके अपनी दुम हिलाने लगता है। जी जैसे ही वो अपने मालिक को देखता है वो दुम हिलाने लगता है, जी और भोजन को देखते ही साथ लार टपकाने लार लगता है। टपकाने लगता तो है। उन्होंने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। जी उन्होंने पहले क्या किया, पहले चरण में कि कुत्ते के आगे भोजन रखा। जी ऑब्वियस सी बात है कि कुत्ते के आगे भोजन रखेंगे तो उसकी लार टपकेगी, टपकेगी। ठीक है। दूसरे चरण में उन्होंने घंटी बजाई, जी लेकिन कुत्ते ने कोई रिएक्शन नहीं नहीं दिया, दिया। क्योंकि कुत्ता कोई ऐसा उद्दीपन नहीं था, स्टिमुलेशन नहीं था कि वो कोई प्रतिक्रिया करता। करे ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुआ, उसके कान खड़े हो गए उसकी हाँ, मतलब आवाज़ को सुन कुत्ते के करके। लिए वो घंटी की घंटी प्रतिक्रिया कोई जो है कोई वो वो कोई कोई उद्दीपन नहीं ऐसा है उद्दीपन जिस पर नहीं वो है, प्रतिक्रिया जाए। प्रतिक्रिया करे, तो जी लेकिन कान खड़ा होना उसका स्वाभाविक था, तो उसने अपनी हाँ, स्वाभाविक कुत्ते प्रतिक्रिया ऐसे दी, ठीक कान है, खड़ी कर खड़े दी। हो गए। जी लेकिन तीसरे चरण में पेवलॉव साहब ने क्या किया जी कि भोजन और घंटी दोनों साथ साथ दिया। इधर घंटी बजाई, उधर भोजन प्रस्तुत किया, जी तो कुत्ते के लार टपकनी शुरू हो गई। बार 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 जब इस क्रिया को दोहराया गया तो कुत्ते ने, एक समय ऐसा आया कि कुत्ते की ऐसी कंडीशनिंग हो गई कि भोजन नहीं प्रस्तुत किया गया, सिर्फ घंटी बजाई गई और उसके मुंह से लार टपकनी टपकना शुरू हो शुरू गई, हो शुरू हो गई। गया। जो कुत्ता पहले घंटी बजाने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था, वो एक कंडीशनिंग के बाद ऐसी कंडीशनिंग हो गई कि उसने क्या किया, घंटी बजते ही साथ उसने लार टपकाना टपकाना शुरू कर शुरू दिया, कर दिया। क्योंकि उसको ये कंडीशनिंग हो गई थी, यह संबंध स्थापित हो गया था किसका, घंटी का और भोजन का, भोजन का कि घंटी मिलेगी तभी भोजन बजा आएगा, मतलब घंटी जब बजेगी बजेगी तो तभी भोजन भोजन आएगा। मिलेगा। तो पेवलॉव के इस थ्योरी से, पेवलॉव का ये मानना था, ये जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के जो बिहेवियर जो मानने वाले मनोवैज्ञानिक हैं, उनका ये मानना है कि हम बच्चे के किसी भी व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं अगर हम उसको सही उद्दीपन देते हैं, अगर सही स्टिमुलस देते हैं तो हम उसकी किसी भी आदत को परिवर्तन कर कर सकते सकते हैं। हैं, जैसे कि मनुष्य में भी अनुबंधन की प्रतिक्रियाएं होती हैं, होती हैं। जैसे कि भोजन का नाम सुनते ही, मिठाई का नाम सुनते ही साथ मुंह में पानी आ जाता पानी है। आ जाता है मिठाई या सामने नहीं है लेकिन जी मुंह में पानी आ पानी गया, अरे आ भाई गया कैसे आ गया, क्योंकि ये क्या हो चुका है, कंडीशनिंग हो हो चुकी चुकी है। है हमारी। मिठाई का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ गया। जैसे ही किसी को अगर तीखा चटपटा खाना पसंद है, गोलगप्पे पसंद है, तो उसके मुंह में सुनते ही साथ पानी आ पानी आ जाता है, जाता है। ठीक है। आँख को दूर से देखा और अपने आप की प्रतिक्रिया कर ली, अभी टच नहीं हुआ लेकिन प्रतिक्रिया हो गई कि पीछे हो गए कि ये आँख क्या है,
इसका किससे है, जलन से संबंध है, तो वो हमने पीछे कर लिया। तो ये शास्त्रीय जो क्लासिकल कंडीशनिंग है उससे हम क्लासरूम में काफी कुछ बदलाव ला सकते हैं। जैसे तो जी यहाँ पे मैं ये जानना चाहूंगा कि अभी तक हम लोगों ने जो बातें की, हम लोगों ने जितनी भी बात क्लासिकल कंडीशनिंग के संबंध में, ये सारी बातें सैद्धांतिक हैं, जो पावलोव साहब ने थ्योरी दी उस सिद्धांत का एक तरीके से हम लोगों ने वर्णन किया है। तो इसका व्यवहारिक परिस्थिति में या कक्षा कक्ष में क्या अनुप्रयोग है और एक शिक्षक कैसे इसका अनुप्रयोग कर सकता है? बहुत बहुत बढ़िया सर। देखिए आपने कभी, हम लोग अपना ही बचपन अगर याद करें या हम लोग शिक्षण प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं तो आप ये देखिए कि जैसे ही अध्यापिका या अध्यापक कक्षा में प्रवेश करता है तो बच्चे एकदम से खड़े हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि उनके स्प्रिंग लगी थी और वो एकदम से खड़े हो गए, खड़े हो गए। ये कैसे हुआ? जब नर्सरी में बच्चा पहली बार आता है तब उसकी ये कंडीशनिंग नहीं हुई होती है। जब बच्चा स्कूल में पहली बार आता है तो टीचर क्लास में जब एंटर करती है तो क्लास में जाकर के वो स्वयं बोलती है, यस बच्चों स्टैंड अप, गुड मॉर्निंग, नाउ सिट डाउन। पहली बार बोला, दूसरी बार बोला, तीसरी चौथी बार ये प्रक्रिया बार 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 कंडीशनिंग करने के बाद एक वक्त ऐसा आता है कि टीचर को दरवाजे में देखते ही साथ सब बच्चे एक साथ खड़े होकर गाना गाने लगते हैं, टीचर जी गुड मॉर्निंग। होता है ये, अच्छा ही, ये क्या है, ये क्या है? क्लासिकल कंडीशनिंग। दूसरा बहुत एग्जांपल जो जनरली हम सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, आप क्लासरूम में देखेंगे कि हमें अगर बच्चों को चुप कराना है तो हम अपना डेस्क को चुप रहो चुप रहो, कई बार बोलना पड़ता है चुप रहो जी। लेकिन थोड़े दिनों बाद आपने एक हाथ मारा और बच्चे सांकेतिक समझ जाते हैं कि ये क्या है, चुप रहने के लिए हमें कहा जा रहा है। तो ये क्या हुआ? कंडीशनिंग हो गई। एक समय आया कि आपको वर्बल कुछ नहीं कहना पड़ रहा, सिर्फ आपकी एक ताली बच्चे को क्या कर रही है, कंडीशन्ड कर रही है कि नहीं, जो हमारे टीचर हैं वो हम कहना चाहते हैं कि अब चुप हो जाओ। तो इस तरीके से जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं सकारात्मक रूप से अनुबंधित हो जाते हैं कि टीचर उनसे चाह क्या रहा है, तो हम जो अपेक्षित व्यवहार है उसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। इस तरीके से क्लासरूम के दैनिक प्रयोगों से हम परिवर्तन कर सकते हैं। देखिए इसी तरीके से एक थ्योरी साथ साथ है ऑपरेंट कंडीशनिंग की, जैसे अभी हम क्लासिकल कंडीशनिंग की बात कर रहे हैं उसी तरीके से है ऑपरेंट कंडीशनिंग। ये B.F. स्किनर ने थ्योरी दी। उनका कहना था कि तुम मुझे कोई भी बच्चा दे दो, मैं उसको वो बना दूंगा जो मैं बनाना चाहता हूँ। स्किनर ने बड़े दावे के साथ ये बात कही कि तुम मुझे कोई भी बच्चा दे दो, मैं जो बनाना चाहता हूँ वो मैं बना दूंगा, ऐसा मैं क्या करूँगा, उसकी कंडीशनिंग कर दूंगा। तो सक्रिय अनुबंधन व्यवहारात्मक शिक्षण का अधिगम का वह तरीका है जिसमें व्यवहार में परिवर्तन पुरस्कार या दंड के फलस्वरूप किया जाता है। उसके पीछे क्या है, उद्दीपन क्या है, पुरस्कार या दंड, ठीक है? बच्चे के सही व्यवहार करने पर उसको पुरस्कार मिलना, उसको प्रशंसा मिलना, उस व्यवहार को क्या कर देता है, सुदृढ़ कर देता है, प्रेरित कर देता है और साथ ही साथ उसमें ग्रहण करने की शक्ति भी बढ़ जाती है। जब उसको पुरस्कार मिला, जैसे कि अगर हम ये कहें कि तुम ये काम करोगे तो तुमको ये मिलेगा, जैसे हम बच्चे से कहते हैं कि अगर तुम इस बार फर्स्ट आए तो तुम्हें साइकिल मिलेगी। कई बार हम लोग माता पिता की हैसियत से ही हम लोग घर में कहते हैं अच्छा तुम इस बार ये काम करोगे, जबकि वो गलत तरीका भी है कि हम बच्चे को लालच दे रहे हैं ना, लेकिन कहीं ना कहीं उस थ्योरी का हम प्रयोग करते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बच्चे जो है अब उसके आदि हो चुके होते हैं, पुरस्कार के फिर कोई काम नहीं करना पसंद करते, तो वो थोड़ा सा गलत गलत है तरीका, लेकिन कभी कभी करना पड़ता है। मतलब हम लोग को उसमें सावधानी रखनी पड़ेगी कि बच्चे की वो आदत ना बनने पाए, वो आदत पुरस्कार की कितनी मात्रा हमें उन्हें देनी चाहिए या दंड की कितनी मात्रा हमें देनी चाहिए, इसमें हमें सावधानी रखनी पड़ेगी। थ्योरी देखिए कोई भी बुरी नहीं होती है, उसको इस्तेमाल करने का तरीका जो है सही और गलत हो जाता है। तो स्किनर ने प्रयोग किया था कबूतरों के ऊपर, तो उसने क्या किया कि कबूतर को पिंजड़े में एक बंद किया, बॉक्स के अंदर बंद किया और बटन दबने पर क्या होता था कि बटन दबा और उसको खाना मिला। तो कबूतर, भाई कबूतर को तो बटन दबाना नहीं आता, लेकिन उसको पुरस्कार क्या मिल रहा था, खाना मिल रहा था। तो धीमे धीमे क्या हुआ कि उसको बटन दबाने में मज़ा आने लगा,
क्योंकि उसको क्योंकि उसको कुछ मिलता था, पुरस्कार मिलता था, पुरस्कार स्वरूप उसको क्या मिल रहा है, भोजन मिल रहा है और उसका मनपसंद भोजन मिल रहा है। तो बार बार उस प्रयास को करने के लिए वो उत्साहित होता था और बटन दबाना भी सीख गया। उसकी कंडीशनिंग पहले तो उसने गलत बटन दबाया कई बार, लेकिन धीमे 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 क्या हुआ कि वो सही बटन पे दबाने लगा और उस काम में उसको आनंद आने लगा कि वो बटन दबा करके अपना काम उसका पूरा हो जाता है। जैसे देखिए, अगर हम कहें, हमको कहते हैं कि हम इस थ्योरी में लालच है, लेकिन क्या हम ऑफिस में अच्छा काम करने पर जब हमें प्रमोशन मिलता है तो क्या हमें खुशी नहीं मिलती? तो प्रमोशन क्या है? इंसेंटिव ही तो है। तो अगर हमें प्रमोशन मिलना अच्छा लगता है, तो प्रमोशन जब हमें मिलता है या हमें बोनस मिलता है तो हम और अच्छा काम करने के लिए प्रेरित होते हैं ना। तो हम और सोचते हैं कि अगली बार हम और बेहतर करेंगे तो हमें और भी अच्छा प्रमोशन मिलेगा, तरक्की मिलेगी। इसी तरीके से अगर हम ये देखें कि विद्यालय में जो बच्चे शत प्रतिशत अपनी उपस्थिति देते हैं और उनको सत्र के अंत में जब इनाम दिया जाता है कि भाई फला बच्चा 100% उसकी अटेंडेंस रही जी। तो बाकी बच्चों के लिए वो क्या करता है? एक प्रेरक का काम करता है। तो बच्चे कई बार ऐसा होता है, ये अनुभव किया गया है, ये मैं पर्सनली तौर पर इस बात को अनुभव कर चुकी हूँ कि अगर ये इनाम मिलता है तो बुखार में भी, बीमार होने पर भी, स्कूल जाने में, स्कूल छोड़ने पर अगर माँ बाप कहते हैं तो बच्चा मानता नहीं है। क्योंकि उसको लगता है कि अगर उसकी उपस्थिति कम दर्ज हुई तो उसको इस बार इनाम नहीं मिलेगा। तो देखिए, इनाम एक ऐसी चीज़ है कि जो कि हर व्यक्ति को काम करने के लिए प्रेरित करती है। तो थ्योरी इनाम एक लालच ज़रूर है, लेकिन ये लालच किसकी तरफ मुझे ले जा रहा है? एक मेरे बेहतरी के लिए मुझे लिए जा रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं ये जो अनुकूलन है वो कैसा है? सक्रिय अनुकूलन है। इसमें देखिए दो एस्पेक्ट हैं, एक है पुनर्बलन और एक है सज़ा। पुनर्बलन जो है वो सकारात्मक है जी। लेकिन जो सज़ा है वो नकारात्मक है। पुनर्बलन के भी दो पहलू हैं, एक सकारात्मक पुनर्बलन और एक नकारात्मक पुनर्बलन। सकारात्मक पुनर्बलन कैसा होता है कि जब आपने कोई नाम दिया तो वो कार्य को क्या कर देता है? मजबूत कर देता है और आगे करने के लिए प्रेरित कर देता है। लेकिन नकारात्मक पुनर्बलन कैसा कि जैसे कई बार कार्य नहीं हुआ, उसके पीछे के फैक्टर्स भी हैं, जैसे सिरदर्द था, सिरदर्द था तो क्या हुआ कि काम नहीं हो पाया। तो अब हमें क्या करना है, कैसा पुनर्बलन देना है? एक भाई डेस्पिरिन की गोली दे देंगे तो सिरदर्द ठीक हो जाएगा। तो जो अवांछित उद्दीपन है उसको त्याग दिया गया और उसकी वजह से क्या हुआ कि जो अनुकूलन है वो सक्रिय हो जाएगा। जो कार्यबाधित हो रहा था, जो कार्यबाधित हो रहा था वो हट जाएगा। स्कूलों में कई बार हमें नकारात्मक सज़ा भी देनी पड़ती है, अध्यापक को निगेटिव एस्पेक्ट भी अपनाना पड़ता है। जैसे किसी बच्चे ने अगर किसी को गलत शब्द बोले हैं, किसी बच्चे को गलत बात कह दी है, तो टीचर उससे कहती है कि 100 बार तुम ये लिखो कॉपी में, 100 बार तुम लिखो कि मैं आइंदा से ऐसा नहीं करूँगा। ये नकारात्मक पुनर्बलन है। सज़ा का सकारात्मक पहलू है कि उसने सज़ा तो करी, लेकिन इस सज़ा में उसका कोई भी क्या नहीं है कि कोई भी मानसिक अहित नहीं है, ठीक है ना। या गृहकार मान लीजिए कि उसने कोई गलत काम किया है, अपनी कॉपी कंप्लीट नहीं करी, तो उसको कह दिया गया कि आज तुम कॉपी कंप्लीट करके आओगे और साथ ही साथ एक क्वेश्चन मैथ्स का ज़्यादा करके आओगे, तो ये क्या हो गया, उसको ज़्यादा गृहकार मिल गया। तो आइंदा से वो सोचेगा कि ज़्यादा गृहकार ना करना पड़े, इससे अच्छा है कि अपना काम समय से पूरा कर ले। लेकिन नकारात्मक क्या हो जाती है सज़ा, कैसे कि जब हम बच्चों को कमरे में बंद कर देते हैं या हम बच्चे को उसके सहपाठियों के सामने प्रताड़ित कर देते हैं, शारीरिक प्रताड़ना, ये सज़ा का नकारात्मक पहलू है। छुट्टी के बाद हम सब बच्चे चले गए और हमने उस बच्चे को कमरे में बंद कर दिया। ये उस बच्चे के मानसिक जो उसके ऊपर दबाव डालेगा और वो हो सकता है कि वो अपने आप को विड्रॉल कर ले, वो कोई ऐसा गलत कदम उठा ले जिससे कि उसका विपरीत प्रभाव पड़ जाए। तो इसके भी दो पहलू हैं कि सज़ा भी एक सकारात्मक पहलू है सज़ा का, और सज़ा का नकारात्मक पहलू भी है। तो सज़ा अगर जब टीचर दे तो उसको बात को ध्यान रखना चाहिए कि सज़ा ऐसी ना हो जो बच्चे के मानसिक तनाव को पैदा कर दे, क्योंकि मानसिक तनाव अगर बच्चे के ऊपर आ गया तो अधिगम कभी भी नहीं होगा। साथ ही साथ देखिए, कक्षा में हम कैसे उपयोगिता देखें, हर बच्चा प्यार से जितना आप उसको समझा सकते हैं उतना डांट मार के नहीं समझाया जा सकता है ना। तो पुनर्बलन जैसे अधिगम को बढ़ाता है,
अध्यापक का सही व्यवहार, अध्यापक का सही व्यवहार बच्चों को सही पुनर्बलन प्रदान करता है। सजा देना बहुत आसान तरीका है कि हमने दो डंडे मार दिए, दो छड़ी मार दी, जो कि अब इसीलिए बंद कर दिया गया है कि ये सज़ा प्रभावशाली नहीं होती। दो कई बार मैंने बच्चों को ये देखा है कि जो टीचर्स की मारने की आदत पड़ जाती है तो बच्चा टीचर के बोलने से पहले ही अपना हाथ आगे कर लेता है, लो भैया दो मार मार लो, आदि हो जाता है मार खाने का। चलो मार लो, मार लो, क्या हो जाएगा, दो छड़ी खाने की तो उसकी प्रैक्टिस हो चुकी है, ठीक है। कुछ बच्चों को मैंने स्कूल में यहाँ तक देखा कि कुछ बच्चे होमवर्क जो करके नहीं लाते उनके टीचर उनको बाहर गेट के बाहर मुर्गा बना देते हैं। तो मैंने तो अपना ये स्वयं का मेरा अनुभव है कि एक स्कूल में हम टीचिंग प्रैक्टिस के दौरान गए तो वहाँ पर एक बच्चा आया, उसने अपना बैग रखा और वो बाहर जाके मुर्गा बन गया। तो वो मुर्गा इसलिए बन गया क्योंकि उसको पता था यही आज सजा मुझे मिलनी है, तो पहले से ही बन गया मिलनी है। तो इसलिए ये कक्षा में ये टीचर्स को ध्यान देना चाहिए कि अप्रिय व्यवहार को खत्म करने के लिए सजा कोई प्रभावशाली कदम नहीं है। बच्चों को प्यार से और सही पुनर्बलन दे करके ही हम व्यवहारात्मक शिक्षण को सही कदम दे सकते हैं। बहुत अच्छा डॉक्टर दत्ता, आपने हमारे दर्शकों का बड़े ही सुंदर तरीके से ज्ञानवर्धन किया, अधिगम के व्यवहारात्मक पहलुओं पर रोशनी डाली और ये भी बताया कि शिक्षण से व्यवहार में कैसे रूपांतरण लाया जा सकता है। साथ ही साथ अधिगम के जो सिद्धांत हैं, जिन सिद्धांतों पर अनेक सारे प्रयोग किए गए हैं और कक्षा में भी उनके बहुत अनुप्रयोग हैं, जैसे कि क्लासिकल कंडीशनिंग की बात की गई, शास्त्रीय अनुबंधन की, ऑपरेंट कंडीशनिंग, सक्रिय अधिगम, सक्रिय अनुबंधन की बात की गई। तो ये सारे जितनी भी चर्चा आज हमने की अधिगम के व्यवहारात्मक पक्ष को लेकर, हमारे दर्शकों के लिए, हमारे विद्यार्थियों के लिए निश्चय ही बहुत लाभान्वित करेगी, उन्हें बहुत लाभकारी होंगी। तो इस चर्चा को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, और साथ में हमारे सभी दर्शकों को भी धन्यवाद। नमस्कार।